केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर कई जगहों पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन व आंदोलन तो किए जा ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस भी इसके विरोध में पीछे नहीं है। कांग्रेस के द्वारा लगातार ज्ञापन, प्रदर्शन और धरना करते हुए विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज से जबलपुर में कांग्रेस ने पैदल यात्रा शुरू की है, जो अलग अलग जगहों पर निकालते हुए कृषि कानूनों का विरोध करेगी। साथ ही जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि यह पदयात्रा जब तक निरंतर जारी रहेगी जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। किसान आंदोलन के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी द्वारा पदयात्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर जो केंद्र सरकार द्वारा जो काले कानून बनाया गया उसको वापस लेने के लिए पूरे प्रदेश में पहले 1 जनवरी से 15 जनवरी तक धरना प्रदर्शन हुए, उसके बाद किसान सम्मेलन हुए, अभी पुनः 1 तारीख से 10 तारीख तक किसान में सम्मेलन हुए और अब 11 तारीख से 20 तारीख तक हमारे पूरे जिले में आज जैसे पनांगर से यहाँ महाराजपुर से लेकर पनांगर तक, कल चरगमा संजय यादव जी के दर चरगमा से लेकर बरगी नगर तक, ऐसा पूरे जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस सबके सहयोग से ये पूरी जो पदयात्रा जब तक जी तीन काले कानून वापस लिए जाते हैं निरंतर संपर्क निरंतर जे कार्यक्रम।